हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ प्रॉन्स आलू कड़ी। आप लोग घर पे एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी होता है। ये राइस के साथ आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। प्रॉन्स आलू कड़ी के लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है प्रॉन्स, इसको हमने अच्छे से स्केल निकाल के वॉश कर लिया है। साथ में हमने लिया है आलू, ऑनियन, टमाटर, इनको छोटे छोटे पीस कर लिया है। आइए देखते हैं मसालों में क्या क्या है। यहाँ पे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, हल्दी पाउडर, यहाँ पे करी पत्ता और नमक स्वाद अनुसार। और यहाँ पे हमने कुछ ग्रीन चिलीज लिया है, ये भी स्वाद अनुसार है, अपने अपने हिसाब से लीजिए। और साथ में यहाँ पे है गोटा जीरा, दालचीनी, इलाच, लौंग और साथ में थोड़ा मस्टर्ड ऑयल। तो चलिए शुरू कर दें। सबसे पहले हम आलू को फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने आलू में थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक ले लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेते हैं। ये प्रोसेस जो है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप लोग घर पर ट्राई कीजिए, बहुत ईजी है। ऑयल को मैंने गर्म कर लिया, अभी उसके अंदर आलू को डाल दिया। प्रॉन्स को भी अभी फ्राई करना है, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक लगा के। आलू को हमने फ्राई कर लिया है, अभी उसी ऑयल में प्रॉन्स को फ्राई कर लेंगे। प्रॉन्स को हल्का फ्राई करना है, प्रॉन्स को ज्यादा नहीं फ्राई करना। प्रॉन्स को ज्यादा फ्राई करने से वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, वो सॉफ्टनेस बिल्कुल चला जाता है, इसलिए कभी भी प्रॉन्स को फ्राई करना है तो थोड़ा हल्का फ्राई करना है। प्रॉन्स को फ्राई कर लिया सेम ऑयल में, अभी इसी ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे पहले दालचीनी, इलायची, लौंग और जीरा, और सबको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस। हमने गरम मसाला फ्राई कर लिया, अभी उसके अंदर डालना है कड़ी पत्ता और मिर्ची। अभी इसमें डाल देंगे प्याज को, प्याज को हल्का सा फ्राई करना है ब्राउन होने तक। ऑनियन अभी फ्राई हो गया है, अभी हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर के साथ हमने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने से टमाटर थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा फास्ट कुकिंग हो जाता है। अभी हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके बाद इसकी ढक्कन जो है इसको क्लोज करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये एकदम सॉफ्ट हो चुका है, अभी हम इसमें धीरे धीरे सब मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, अभी हम ऐड करेंगे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और साथ में हल्दी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर अभी डालना है थोड़ा सा गर्म पानी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको अभी 2 मिनट के लिए लिड क्लोज करके छोड़ देंगे। अभी मसाला रेडी हो गया, अभी इसके अंदर डालना है आलू और प्रॉन्स। अभी इसके अंदर डालना है थोड़ा सा गर्म पानी, इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड किया है। रेडी हो गया हमारा प्रॉन्स आलू करी। एक बार हमने टेस्ट कर लिया है, थोड़ा सा नमक कम था तो हमने नमक ऐड कर लिया है। ये नमक और तीखापन ये अपने अपने हिसाब से दे दीजिएगा। अभी रेडी हो गया है ग्रेवी, हमने थोड़ा सा लाइट ग्रेवी रखा है, ये राइस के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए अभी इसको डिश अप करते हैं। अच्छा
अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आप लोग घर पे एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।